युवा गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ भारतीय टीम रविवार को तिरुवनंतपुरम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में उतरेगी। भारतीय टीम ने पहला मैच भले ही जीत लिया हो, लेकिन इस मुकाबले में गेंदबाजों ने काफी रन लुटाए थे। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को छोड़ दिया जाए तो अन्य गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से निराश किया था। तेज गेंदबाजों वर्षदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा स्पिनर रवि बिश्नोई को आईपीएल में खासकर भारतीय पिचों पर खेलने का अच्छा अनुभव है और उनसे दूसरे टी20 में बेहतर प्रदर्शन की आस रहेगी। शनिवार को हुई यहां बारिश हुई थी और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रविवार को भी मैच पर बारिश का साया रहेगा। पहले टी20 में भारतीय गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के चलते अंतिम एकादश में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की पिच और हालात बहुत अलग नहीं होंगे, लिहाजा भारतीय गेंदबाजों को एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पहले मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने क्रमशः 10.25 और 12.50 की औसत से रन दिए, जबकि स्पिनर रवि बिश्नोई ने 13.50 प्रति ओवर की औसत से रन लुटाए थे। टी20 प्रारूप में गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन इन तीनों की गेंदबाजी में विविधता का अभाव दिखा। भारत को सीरीज में बढ़त बनानी है तो इन तीनों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। यह असंभव भी नहीं है क्योंकि मुकेश ने विविधता के साथ ऐसा कर दिखाया है। दूसरे गेंदबाजों को भी उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। स्पिनर बिश्नोई को समझना होगा कि वह सिर्फ गुगली पर निर्भर नहीं रह सकते और उन्हें इसे आगे बढ़ना होगा। मेहमान टीम के बल्लेबाज उनकी गुगली को भांप लेते हैं, उन्हें इसमें बदलाव करना होगा। हाल ही में वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे प्रसिद्ध ने नेट पर शीर्ष खिलाड़ियों को देखा है, लेकिन उनकी गेंदबाजी में कुछ नयापन नजर नहीं आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करें।